नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। कुछ समय पहले मैंने इस डिवाइस को रिव्यू किया था। दिस इज अ पोर्टेबल मल्टीमीडिया प्लेयर विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ डुअल चैनल डैश कैम। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट, मैं लिंक यहां पर मेंशन कर दूंगा। कुछ व्यूअर्स का ये कहना था कि उनको ये प्रोडक्ट तो बहुत यूजफुल लगा, हाउएवर उनके डैशबोर्ड पे प्रॉपर स्पेस नहीं है इसको सेटअप करने के लिए। सो हियर आई एम विद अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम एंड दैट इज अ स्मार्ट रियर व्यू मिरर। चलिए करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इस डिवाइस में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। सो गाइस, दिस इज द बॉक्स ऑफ आवर स्मार्ट रियर व्यू मिरर। लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। इसको हम ऐसे खोलेंगे, यहाँ पर हमारा स्मार्ट रियर व्यू मिरर है। इस तरीके से ये कुछ दिख रहा है। चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। हमें मिलता है एक पार्किंग मॉनिटर, एक GPS मॉड्यूल, रियर कैमरा, एक पावर सप्लाई जो कि आप सिगरेट लाइटर से दे सकते हैं, इसका रबर माउंट, साथ में ऑक्स केबल, और हमें मिलता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्मार्ट रियर व्यू मिरर। बेसिकली ये आपके एग्जिस्टिंग रियर व्यू मिरर पे माउंट होगा। इसका जो रबर माउंट है इसको हम ऐसे इंस्टॉल करेंगे और इस तरीके से लगा देंगे। मैं अभी आपको इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ऊपर की ओर दे रखा है पावर देने के लिए USB-C, रियर कैमरा इंस्टॉल करने के लिए जैक, यहाँ पर आपका SD कार्ड लग जाएगा, माइक्रो SD कार्ड, और यहाँ पर आपका GPS मॉड्यूल लग जाएगा। पीछे की ओर अगर हम देखें तो आपको डुअल माइक ऑप्शन मिलता है और एक फिजिकल बटन मिलता है। यहाँ पर आपके पास एक कैमरा है। दिस कैमरा इज सेट टू बी 4K एंड इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी। तो इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी एग्जैक्टली इससे आ रही है। सो चलिए इस डिवाइस को हम पावर देते हैं और इसकी सेटिंग्स को समझते हैं। मैं USB-C को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। वेलकम लिख गया है एंड इट हैज टर्न्ड ऑन। जो फ्रंट कैमरा है वो वर्क करना शुरू कर चुका है। हैव अ लुक। अभी मैं इसको कार में कनेक्ट करके प्रॉपरली दिखाऊंगा। सबसे पहले हम वायरलेस एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करके देखेंगे। हमें कारप्ले पे टैप करना है, फिर हमें अपना फ़ोन लेना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, ब्लूटूथ ऑन करना होगा एंड वील हैव टू सर्च फॉर QCKJ6253। ब्लूटूथ में आ चुका है QCKJ6253। मैंने इसे टैप किया। यूज कारप्ले, यस। एंड गाइज, हमारा वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो चुका है। इसमें एक इनबिल्ट स्पीकर है जिसके थ्रू आप म्यूजिक चला सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू यूज ईदर ऑक्स और FM ट्रांसमिशन। और इसका मैं वर्किंग भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ मैंने गूगल मैप्स टैप किया, ये टर्न ऑन हो चुका है। ऑल एप्स, राइट लेफ्ट। आई हैवंट बीन एबल टू फाइंड अ वे जिससे कि जो ये एप्पल कारप्ले है ये पूरी स्क्रीन पे आ जाए। सो इसमें हाफ हाफ स्क्रीन की ही ऑप्शन अवेलेबल है और इस तरीके से हमारा वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो रहा है। अब हम इसका वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो फंक्शन चेक करेंगे। हमने वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो पर टैप कर दिया है। यहाँ पर हम फोन में जाएंगे, ब्लूटूथ खोलेंगे और QCKJ6253 के लिए वेट करेंगे। ये देखिए आ चुका है पेयरिंग। अलाउ एक्सेस पेयर, और हमारा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो चुका है। हैव अ लुक। यहाँ पर इस तरीके से ये फंक्शन करेगा जैसे एक नॉर्मल वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पर हम मैप्स में जा सकते हैं और इस तरीके से ये शो करेगा। जो इसकी क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है। द ओनली मिसिंग फीचर इन दिस डिवाइस इज दैट कि ये फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि हाफ स्क्रीन पे आप रियर व्यू कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं और हाफ स्क्रीन पे आप अपना नेविगेशन चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं दैट इज FM फंक्शन। FM फंक्शन जब मैं प्रॉपर्ली कनेक्ट करूंगा कार में तब मैं आपको शो करूंगा। इस फीचर की वजह से आप अपनी गाड़ी के FM के थ्रू इस डिवाइस से म्यूजिक को कनेक्ट कर सकते हैं। फाइल्स में आपकी जो भी पुराना डेटा होगा, ड्राइविंग डेटा, जैसे कि इस सिम को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया और हम फाइल्स में गए तो हमें पुराने वीडियोज मिलेंगे जो हमने ड्राइव करते वक्त बनाए होंगे और हम इनको देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस डिवाइस का ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने डिक्रीज कर दिया, ये मैंने इंक्रीज कर दिया। अब हम सेटिंग्स को देखते हैं। सेटिंग्स में पहला है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में पहला ऑप्शन आ रहा है अडैस का, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग मीडिया को अगर आप ऑन करेंगे तो आप अपने डिवाइस से एंड्रॉयड एंड एप्पल मिररिंग फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं।
अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आप नॉर्मल वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले फंक्शन को एक्टिवेट कर देंगे। फिर ऑप्शन है स्क्रीन स्लीप टाइम कि 10 सेकंड में ये स्क्रीन ऑफ हो जाए। मैं इसको ऑफ बटन पे रखूंगा और मैं इसका जो फिजिकल बटन है उसको यूज करूंगा व्हेनेवर रिक्वायर्ड, इस तरीके से। फिर है स्टोरेज स्टेटस। स्टोरेज स्टेटस में देखिए शो कर रहा है कि 30 GB भर चुका है। फिर आप इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, टाइम सेटिंग्स को आप ठीक कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, और ड्राइविंग हैबिट सिलेक्शन। अगर आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग राइट में है तो उसको आप राइट में रखेंगे, अगर आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग लेफ्ट में है तो उसको आप लेफ्ट में रखेंगे। फिर जो अगला फंक्शन आता है दैट इज वीडियो फंक्शन। इसमें आप जो रेजोल्यूशन है फ्रंट कैमरे का उसको चेंज कर सकते हैं, 4K रहे या 2K रहे, देयर आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल। फिर वीडियो ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं, 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स। कोडिंग फॉर्मेट के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। टाइम लैप्स मॉनिटरिंग भी इसको आप ऑन कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी कूल फीचर, क्योंकि अगर आप मान लीजिए टाइम लैप्स मॉनिटरिंग ऑन रखते हैं तो आप कम स्पेस में ज़्यादा ड्राइविंग आप सेव कर सकते हैं। टाइम लैप्स ड्यूरेशन किस हिसाब का होना चाहिए, 24 आवर्स, 2 आवर्स, ये भी आप सेट कर सकते हैं। पार्किंग मॉनिटर ऑन एंड ऑफ, अगर आपने इसको पार्किंग केबल से कनेक्ट किया है तो आप पार्किंग मॉनिटर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। कोल्यूजन सेंसिटिविटी की अगर गाड़ी भिड़ती है तो ये एक इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, इसको आप लो पे रखिएगा। प्रीव्यू मिरर तब यूज करना है जब मान लीजिए कि आप उसको जब कनेक्ट कर रहे हैं रियर कैमरे को तो आपका जो व्यू है वो उल्टा आ रहा है, तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग, अंदर की जो आप एम्बिएंट नॉइस है उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, देन यू कैन टर्न इट ऑन। फिर है ऑप्शन ब्राइटनेस का, I would prefer to keep it on auto, अभी के लिए मैं इसको फुल पे रखा हूँ। ऑडियो में देखिए क्या ऑप्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है। फिर है की साउंड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, स्विचिंग साउंड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, आई वुड प्रेफर टू कीप इट एट ऑफ। जो अगला ऑप्शन है दैट इज वाईफाई इन्फॉर्मेशन। वाईफाई इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप इस डिवाइस से वायरलेसली वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, लेट मी शो यू। सो गाइस, वायरलेसली डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ रोड कैम ऐप, RODCAM। ये आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए वेटिंग लिखा है, आपको जाना पड़ेगा वाईफाई में और आपको वाईफाई नेम QCKJ6253 को ऐड करना पड़ेगा। पासवर्ड यहाँ पे मेंशन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 times 8 है। हमने इसे कनेक्ट किया, ये देखिए कनेक्टेड आ रहा है। वापस हम रोड कैम ऐप पे जाएंगे जहाँ पे वेटिंग था, ये देखिए कनेक्ट टू DVR, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर शो कर रहा है बफरिंग, यहाँ से हम रिकॉर्ड बटन टैप कर सकते हैं और पुराने वीडियोस एंड फोटोज़ देख सकते हैं। वीडियोस टैप किया और यहाँ पर हमारे सारे वीडियोस आ चुके हैं जो हमने ड्राइविंग में बनाए हैं, और किसी भी वीडियो को हम ऐसे टैप करके देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैंने टैप किया और इसको मैंने डाउनलोड बटन टैप कर दिया, ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। 206 MB की फाइल है एंड इट हैज डाउनलोडेड इन सेकंड्स। सो हम फोटोज में जाके चेक कर सकते हैं एंड सी दिस इज द फाइल जो अभी हमने डाउनलोड करी। इसके बाद ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का, आप SD कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं, मैंने अभी इसको रिमूव कर दिया है, रीस्टोर फैक्ट्री कर सकते हैं, एंड देयर इज अबाउट। सो ये था इस डिवाइस के ओवरऑल सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में। अब हम इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और इसका डे फुटेज चेक करते हैं। सो गाइस, स्मार्ट रियर व्यू मिरर मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, और आपको शायद पता ही होगा कि मेरी गाड़ी में ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, तो इसको लगाने की वजह से जो पावर केबल है और जो रियर कैमरा है वो सामने से जाता है। बट द गुड पार्ट ऑफ दिस स्मार्ट रियर व्यू मिरर इज दैट कि आप अपना रियर कैमरा और पावर केबल दोनों को साइड से ले जा सकते हैं, एंड इट विल इम्प्रूव द ओवरऑल केबल मैनेजमेंट इन योर कार। चलिए अब हम इसको पावर देते हैं और इसका ओवरऑल सेटअप देखते हैं। मैंने गाड़ी ऑन कर दिया है, ये देखिए वेलकम लिख गया, हाफ स्क्रीन में कैमरा शो कर रहा है और हाफ स्क्रीन में हमारा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो सेटअप है वो शो कर रहा है। राइट नाउ इट इज शोइंग फ्रंट कैमरा। अब इसको हम चेंज करना चाहें तो हम स्वाइप करेंगे तो देखिए रियर कैमरा शो कर रहा है, फिर स्वाइप करेंगे तो फ्रंट कैमरा शो कर रहा है। अगर कैमरे को फुल स्क्रीन करना है तो आप इसको डबल टैप कर दीजिए, ये देखिए शो करने लगा फ्रंट एंड रियर। ऐसे मैंने टैप किया तो इसमें पीछे पुराने फाइल्स आप देख सकते हैं। राइट स्वाइप करेंगे तो देखिए सिर्फ फ्रंट शो कर रहा है, फिर बैक और फ्रंट एंड बैक। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैं गाड़ी में रिवर्स लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है। ये देखिए मैंने रिवर्स लगाया और यहाँ पर कैमरा नीचे की ओर शो कर रहा है। नाउ देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू इन द रियर कैमरा, एंड दैट इज कि मान लीजिए कि जो आपका रियर कैमरा सेटअप है ये प्रॉपर आपको नहीं लग रहा है, तो आप लेफ्ट में इसको ऐसे टैप करिए और ये देखिए आप इसका जो कैमरे का एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर रिवर्स कैमरा आपको सही नहीं लग रहा है तो आप इसको टैप करिए
और कैमरे का एडजस्टमेंट कर लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई थिंक दिस इज परफेक्ट और ये काफी कूल फीचर है इन दिस स्मार्ट रियर व्यू कैमरा। एंड एक बार आप अपना वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग। मैंने इसको देखिए होम सेटअप कर दिया है और जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। ब्रॉड डे लाइट में इसका ब्राइटनेस काफी सफिशिएंट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हो रहा है। अब जो सेटअप है ये काफी परफेक्ट है क्योंकि लेफ्ट में हमारा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो दिखा रहा है और राइट में हमारा रियर कैमरा दिखा रहा है। अगर आप मान लीजिए किसी भी फीचर को नहीं यूज करना चाहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम तो आप इसका फिजिकल बटन एक बार टैप करिए और ये सब कुछ बंद हो जाएगा। बाय द वे स्क्रीन ऑफ हुई है, जो फ्रंट कैमरा है और जो रियर कैमरा है वो लगातार काम करता रहेगा। अब मैं आपको इसका FM फंक्शन दिखा देता हूँ। FM फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको FM पे टैप करना पड़ेगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप स्पीकर से ऑडियो आउटपुट चाहते हैं या फिर FM से। अगर मान लीजिए मैंने FM पे टैप किया और मैंने इसको 92.70 पे सेट कर दिया। अब आप अपनी गाड़ी के ओरिजिनल इंफोटेनमेंट सिस्टम पे जाएंगे, FM टैप करेंगे और इसको 92.70 पे करेंगे और उसके बाद जब हम म्यूजिक प्ले करेंगे तो गाड़ी के स्पीकर से म्यूजिक प्ले होगा। सो गाइस, ओवरऑल इसका जो कैमरे की क्वालिटी है इट फील्स बेटर ऑन द स्क्रीन। अभी हम इसका वीडियो सैंपल भी चेक करेंगे हाउ इट इज। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डे फुटेज। दिन में जो कैमरा है वो काफी अच्छा काम करता है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर दो कारें जा रही हैं जिनका नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल है और इवन व्हेन द कार इज गोइंग फार अवे द नंबर प्लेट इज वेरी विजिबल और ओवरऑल चीजें काफी साफ दिख रही हैं। जो रियर कैमरा है वो भी दिन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एज यू कैन सी कि एक गाड़ी बगल से जा रही है एंड द नंबर प्लेट इज ऑल्सो विजिबल इन दिस कंडीशन एज वेल। रात में फ्रंट कैमरे की बात करें तो ओवरऑल जो विजिबिलिटी आ रही है वो काफी साफ आ रही है, बट मेन बात आती है कि क्या नंबर प्लेट विजिबल है कि नहीं। अगर गाड़ी धीरे स्पीड में है तो नंबर प्लेट विजिबल है, अगर आप काफी तेज जा रहे हैं देन नाइट कंडीशंस में नंबर प्लेट उतना विजिबल नहीं हो पा रहा है। अब बात आती है नाइट में रियर कैमरा की। एज यू कैन सी कि गाड़ियां यहां पे जा रही हैं बट उनके नंबर प्लेट उतने विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, बट जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा भी धीमी हो रही है द नंबर प्लेट इज क्लियरली विजिबल इवन इन रियर कैमरा। रात में गाड़ी चलाते वक्त जो स्मार्ट रियर व्यू मिरर है वो कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एज यू कैन सी कि जो मैप्स है वो काफी अच्छा चल रहा है और इवन फ्रंट कैमरा काफी अच्छा दिख रहा है। सो गाइस, नाउ कम्स द फाइनल कंक्लूजन अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड आई वुड से कि इट इज अ मल्टीफंक्शनल डिवाइस व्हिच नॉट only acts as a rear view mirror but also acts as a dual channel dash cam and wireless Android Auto and Apple CarPlay. I would say it is a useful car accessory with a very good camera quality. The original pricing of this product is approximately 15,500 rupees. However, you can get it at 12,500 rupees with code Prakash. So guys, before ending this video, let me share the good news with you. I have finally received the name of the winner of the contest of T-Box Max. First of all, I would like to thank each and everyone for such an active participation on the giveaway contest. And the name of the winner is Anvik Kadam. So Anvik, please contact me on my email address and we'll proceed with your giveaway. Next giveaway is coming next week और ये जो giveaway है this is a long pending giveaway that I had to do after completing my 10,000 subscribers mark. And guys, there is one more information that I would like to share with you and that is कि अगर आप Car Linkit 5.0 लेने का plan कर रहे हैं then use the code Diwali DIWALI to get $25 straight discount और इसके बाद आपको ये जो product है ये मिल जाएगा 5,000 रुपए में which includes shipping and custom charges. So guys, video kaisa laga? Do let me know in the comments below and do subscribe to my channel if you haven't done already. Have a great day, enjoy your life and keep smiling.